तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको एक स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल का जो स्विच है वो टाटा जेनुइन वाला एज इट इज यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। कंप्लीट जो डैशबोर्ड वाला पैनल है वो यहाँ पे कस्टमाइज किया गया है। जो रियर की पावर विंडोज है ये आप यहाँ पर देखें, तो ये पावर विंडोज भी ये जो है यहीं से आप ऑपरेट कर सकते हैं। प्रॉपर फुल बकेट जो अपने सीट कवर से वो इंस्टॉल किए गए हैं और डुअल टोनिंग कॉम्बिनेशन के साथ है। अपने जो मिंडा के फॉग लैंप्स है वो इंस्टॉल किए गए हैं हैलोजन बल्ब के साथ। आपकी पंच की काफी सारी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, उसमें अब तक देखा है और अब जो आपने एक्सपीरियंस किया है उसके अंदर हम जो दिखाते हैं वो सही दिखाते हैं या चेंज हो जाता है? बिल्कुल सही दिखाते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आज हमारे पास है दो दो टाटा की पंच और दोनों ही अपनी बेस मॉडल है और ग्रे कलर के साथ है और काफी कुछ एक्सेसरीज जो है ना वो दोनों ही गाड़ियों के अंदर इंस्टॉल करी जा रही है। इस वाली गाड़ी का जो वीडियो है वो आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसको प्रीवियसली मैंने अपलोड कर दिया है और आपको एक बार दिखा भी देता हूं। तो इसके अंदर काफी बढ़िया जो इंटीरियर वगैरह का काम जो है वो किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सारा कुछ किया है, लाइटिंग सेटअप वगैरह में काफी कुछ जो चेंजेस है वो किए गए, तो उसका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस वाले वीडियो को भी देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वाली गाड़ी के अंदर, और इस वाली गाड़ी के अंदर भी काफी कुछ जो एक्सेसरीज है वो इंस्टॉल करी गई है। प्रॉपर जो आपकी गाड़ी का इंटीरियर है वो आपको देखने को मिल जाता है और इसमें मैरून का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख लीजिए और क्या क्या एक्सेसरीज इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हुई है, चलिए आपको बता दें। स्पीकर्स की बात करते हैं दोस्तों, दरवाजों के अंदर जो है स्पीकर यहाँ पे आप देख सकते हो, तो JBL के फ्रंट डोर्स के अंदर आपको जो कंपोनेंट स्पीकर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं और प्रॉपर यहाँ पे आप देखें तो रिंग के साथ जो इसका इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे जो इसका ट्विटर है वो प्लेस देखने को मिल जाता है, प्रॉपर वायरिंग वगैरह जो है वो करी गई है। इसके अलावा बात करते हैं अब रियर डोर्स की, तो यहाँ पे रियर डोर्स के अंदर अपने जो यहाँ पे आप देख सकते हो तो कोएक्सियल स्पीकर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। सीमेंस JBL यहाँ पर भी आपको मिलता है, प्रॉपर रिंग वगैरह के साथ ये भी इंस्टॉल किया गया है। साथ में एक अपडेट आपको रियर में मिल जाएगा कि रियर की पावर विंडोज आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलती, मैनुअल वाली जो विंडोज है वो दी जाती है, तो उसको रिप्लेस करके टाटा की जो जनरल वाली रियर पावर विंडोज है उनका इंस्टॉलेशन रहने वाला है। तो अंदर चलते हैं शॉप के अंदर, आपको दिखाते हैं कैसी वाली पावर विंडोज लगाई जा रही है। अपनी जो रियर की पावर विंडोज दोस्तों वो अपनी टाटा जेनुइन वाली रहने वाली है और यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट जिस तरीके से आपको एडवेंचर वेरिएंट से कंपनी ऑफर करती है सेम वही असेंबली आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर आपको टाटा की जो मार्किंग है वो भी देखने को मिल जाती है, टाटा की ओरिजिनल वाली है। इसका बेनिफिट दोस्तों ये होने वाला है कि आप जो है आगे ड्राइवर साइड डोर से ही रियर की जो पावर विंडोज है वो भी ऑपरेट कर पाएंगे। और ये है रियर के स्विचेस यहाँ पे आप देख सकते हो और ये भी अपनी टाटा जेनुइन रहने वाले हैं। इसका भी जो अपनी मार्किंग है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, तो इसकी मार्किंग यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रही अपनी टाटा की, ये देखिए। और सेम है ये भी अपना पीछे की यूनिट है और इसकी जो मार्किंग है वो भी आप देख लीजिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। प्रॉपर सॉकेट टू सॉकेट आपको जो इसका इंस्टॉलेशन है वो देखने को मिलेगा, लगता है फिर आपको दिखाते हैं। बात करें की दोस्तों, तो यहाँ पे एक अपडेट है अपना RD की, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंटर डोर लॉकिंग है वो इंस्टॉल करी गई है, 3 साल की डोर स्टेप वारंटी के साथ आती है और इसके साथ अपनी जो फ्लिप की है वो भी बनाई गई है। और यहाँ पे आपको फ्लिप की ये आप देख लीजिए किस तरीके का आपको फ्लिप फंक्शन देखने को इसमें मिल जाता है। दो बटन आपको वर्किंग मिलते हैं, एक लॉक का है और एक अनलॉक का, बीच वाला जो बटन है वो आप इसको म्यूट और अनम्यूट के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। तो भाई इंटीरियर का काम जो है इस गाड़ी का कंप्लीट हो चुका है और आपको मैं सबसे पहले इंटीरियर ही दिखाना चाहूंगा, कितना बेहतरीन वाला जो आपको फील जो है वो इंटीरियर में देखने को मिलता है। क्या क्या चीजें अपडेट करी गई हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो अपने सीट कवर्स हैं, इंटीरियर में आपको कंप्लीट इंटीरियर देखने को मिल जाएगा, स्टीयरिंग व्हील का कंप्लीट रैप देखने को मिल जाएगा, म्यूजिक सिस्टम है और अपनी काफी चीजें हैं। तो एक एक करके सबसे पहले बात करते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो अपना टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया है और ये 9 इंच की प्रॉपर स्क्रीन के साथ है और पंच की फ्रेम के साथ जो है इसका इंस्टॉलेशन कम्प्लीट यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका जो टच का रिस्पॉन्स है वो अगर मैं दिखाता हूँ तो फास्ट मूव करके भी आपको मैं दिखाता हूँ, तो कोई भी लैग वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी फील होने वाला नहीं है। इसी के साथ साथ अपने जो रियर व्यू कैमरा है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है और किस तरीके का उसका रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाता है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो नाइट टाइम में आपको मैं दिखा रहा हूँ, नाइट टाइम का वक्त है और इस टाइम पे किस तरीके का आपको ओवरऑल जो रियर व्यू कैमरे का रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल जाता है और मेरे हिसाब से काफी अच्छा आपको मिल जाएगा व्यू और आराम से आप जो है अपनी गाड़ी को नाइट टाइम के अंदर भी पार्क जो है वो कर पाएंगे। यहाँ पे आते हैं तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको एक स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल का जो स्विच है वो टाटा जेनुइन वाला एज इट इज यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। और इसकी पेयरिंग सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉल्यूम माइनस हो रही है, वॉल्यूम प्लस हो रही है, इस तरीके से आपको मिल जाता है अपना म्यूट का अनम्यूट का सारे बटन आपको मिल जाते हैं और प्रॉपर वर्किंग भी है आप, साथ ही साथ इसका जो कॉल पिक एंड ड्रॉप का जो फीचर है वो भी यूज कर पाएंगे। तो टाटा जेनुइन वाला जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इसी के साथ साथ अपना जो कम्प्लीट स्टीयरिंग व्हील है वो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको वो भी मिल जाता है, प्रॉपर यहाँ पे जो इसकी स्टिचिंग की गई है वो OEM स्टाइल आपको, इस तरीके से आपको नेक्सॉन वगैरह में कंपनी जो ऑफर करती है वैसे ही आपको यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर स्टिचिंग देखने को मिल जाती है और काफी अच्छा आपको ये देखने को मिल जाएगा और इंटीरियर को मैच करता हुआ ही जो है इसके ऊपर यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। ये वाले पैनल आप देख सकते हो तो कंप्लीट आपको यहाँ पे भी मैरून कलर जो है चेरी कलर है वो यहाँ पे यूज किया गया है। इस तरीके से कंप्लीट जो डैशबोर्ड वाला पैनल है वो यहाँ पे कस्टमाइज किया गया है। इसी तरीके से आपको जो चारों डोर पैनल्स हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे किस तरीके के आपको है और ये आप इसका जो रियर वाला है वो भी देख सकते हो। ड्राइवर वाले के ऊपर आपको मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे भी आप इसको देख लीजिए और किसके तरीके से, क्योंकि अब इसको दोबारा से निकाल करके दोबारा से लगाया गया है, तो यहाँ पे आप इसकी फिनिशिंग नोट करिएगा। तो पैनल के अंदर बिल्कुल भी आपको
जो गैप है वो देखने को यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल आपको प्रॉपर जो इसकी फिनिशिंग है, चाहे वो ऊपर से हो चाहे वो नीचे से हो, सब जगह से आपको देखने को मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इसके अंदर कोई भी जो प्रॉब्लम है वो देखने को नहीं मिलने वाली। एक और बेहतरीन चीज यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, इस वाली गाड़ी के अंदर आपको जो रियर पावर विंडोज है वो भी देखने को मिल जाती है। और इसको जो है ना वो अपनी टाटा जेन्युइन वाली यहाँ पे इंस्टॉल की गई, टाटा जेन्युइन के स्विचेस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर किस तरीके से है। मिरर जो है वो मैनुअल वाले ही है, अगर आप मिरर लगवाना चाहते हो तो मिरर का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो इसका स्विच जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। बाकी अभी टाटा जेन्युइन वाली है तो इसमें आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि एक तो आप ड्राइवर को ड्राइवर तो जो पहले करते थे वो सारा आप यूज कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो अपना जो ड्राइवर साइड से ही जो रियर की पावर विंडोज है ये आप यहाँ पर देखें, तो ये पावर विंडोज भी ये जो है यहीं से आप ऑपरेट कर सकते हैं। इवन आपको जो है रियर में भी इसके जो इंडिविजुअल स्विचेस हैं वो भी मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप जो है रियर से भी इनको जो है वो यूज कर पाएंगे। तो रियर के स्विचेस भी आपको इंडिविजुअल दिए गए हैं, तो ये सबसे बेहतरीन फीचर है, आप इसका लगवा सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा लो है, आप जो है ये वाली पावर विंडो लगवाना नहीं चाहते, तो आप जो है वो आरडी वाली जो पावर विंडोज है वो भी लगवा सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन उसके अंदर जो ये स्विच है वो आपको नहीं मिलते, आपको रियर से ही जो है वो कंट्रोल करना होगा। सेंटर डोर लॉकिंग मैंने आपको दिखा दी, चाबी जो है फिलिप की बनाई गई है तो वो भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। नीचे देखें तो यहाँ पे आपको पंच की प्रॉपर जो है इसका प्लेट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राइवर साइड का जो डोर पैनल का साइज है वो काफी बड़ा रहता है। रियर की भी आपको मैं दिखा देता हूँ, तो रियर में आप यहाँ पर देख लीजिए तो रियर का साइज जो है वो थोड़ा छोटा रहता है अकॉर्डिंग टू डोर साइज। स्पीकर की बात हमने कर ली थी, स्पीकर जो है वो इंस्टॉल हुए हैं। इसके अलावा कंप्लीट यहाँ पे आप फ्लोरिंग देख सकते हो, प्रॉपर फ्लोर के ऊपर आपको जो है लेमिनेशन वाली जो फ्लोरिंग है वो देखने को मिल जाती है, और ये बर्फी डिजाइन में है। उसके ऊपर ये वाले जो मैटिंग है वो इंस्टॉल करी गई है, और सोनी लेक्स की मैटिंग जो है यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। आपके पास और भी ऑप्शन है, आप 7D GFX वगैरह के जो मैट्स हैं वो भी अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं। और एक और बेहतरीन चीज यहाँ पे इसके सीट कवर्स, जो कि इसके इंटीरियर में काफी हद तक जो है वो जान डाल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर फुल बकेट जो अपने सीट कवर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, और डुअल टोन की कॉम्बिनेशन के साथ है। यहाँ पे आप देखो तो चेरी और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ आपको देखने को मिल जाता है, और व्हाइट लगी जो पाइपिंग है यहाँ पे आप देखें तो बहुत ही अच्छा आपको जो इंटरनल एम्पीरियंस है वो ऑफर कर रही है। साइडों में बर्फी डिजाइन है, बीच में प्लेन आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो ओवरऑल जो इसका फिटमेंट है वो भी काफी अच्छा किया गया है, कोड्रावा वाला पोर्शन आप देख लीजिए। इसी तरीके से अगर मैं आपको इसकी रियर सीट का फिटमेंट चेक करवाता हूं, तो आप रियर सीट का भी फिटमेंट यहां पर देख सकते हैं, तो प्रॉपर आपको यहां पे फिटिंग देखने को मिल जाती है, कोई भी यहां पे आपको शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलने वाला है। और काफी अच्छी जो सीट कवर की फिटमेंट है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, तो एक नंबर का यहां पे काम जो है अच्छा वाला हो चुका है। बात करते हैं अगर एक्सटीरियर एक्सेसरीज की, यहाँ पे क्या क्या इंस्टॉल किया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको जो फॉग लैंप्स है वो नहीं मिलते, यहाँ पे आप देख सकते हो तो अपने जो मिंडा के फॉग लैंप्स है वो इंस्टॉल किए गए हैं हैलोजन बल्ब के साथ, ऊपर कोई चेंज नहीं किया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो तो अपनी डीआरएल लाइटिंग है वो इंस्टॉल करी गई है कंप्लीट इसके इंडिकेटर वाले पोर्शन के ऊपर, और ये डुअल पर्पज वाली है, इंडिकेटर और डीआरएल दोनों पर ही ये वर्क करती है। इस डीआरएल को जब आप इंडिकेटर पे पुट करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से जो सिक्वेंशियल टाइप बिलिंग करना स्टार्ट कर देती है, और आपको थोड़ा सा दूर से दिखाता हूं, तो ओवरऑल जो फ्रंट का लुक है वो आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा आपको लाइट का आउटपुट किस तरीके का मिल रहा है वो आप यहां पर देख सकते हो, और आपको ज्यादा अच्छा लाइट आउटपुट चाहिए तो आप इसके अंदर जो एलईडीज है वो इंस्टॉल भी करवा सकते हैं। बात करते हैं अगर साइड प्रोफाइल की, यहां पे क्या क्या इंस्टॉलेशन किया गया है। सबसे पहले आप इसके जो है डोर हैंडल्स देख सकते हैं, तो इसके आते हैं ब्लैक कलर के, यहां पे आप देखो तो कंप्लीट जो क्रोम प्लेटेड अपने डोर हैंडल्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, और जो रियर वाला डोर हैंडल है वो भी आपको यहां पर जो है वो क्रोम का इंसर्ट आपको देखने को मिल जाता है। इस वाली के अंदर जो 8 पीस वाली अपनी लोअर गार्निश है वो इंस्टॉल करी गई है, 8 पीस यानी के 1, 2, 3 और 4 पीस आपको इस साइड में मिल जाती है, और 4 पीस साइड इस उधर दूसरी वाली साइड में भी आपको मिल जाएगी। 8 पीस वाली है, 4 पीस वाली भी आती है, 6 पीस वाली भी आती है, और 8 पीस वाली भी आती है, तो आपके पास जो सी रिक्वायरमेंट है वो आप जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी रियर से बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक जो रियर व्यू कैमरा है उसका इंस्टॉलेशन देखने को मिल जाता है। आउटपुट में आपको इंटरव्यू में चेक करवा चुका हूँ, और आप यहाँ पर इसकी फिटमेंट देख लीजिए किस तरीके की आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा एक फीचर दोस्तों आप ये भी चाहे इंस्टॉल करवा सकते हैं कि अपने जो मिरर्स हैं इसके अंदर आपके एडजस्टेबल मिलते हैं, अगर आप इसको चाहते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करवाना टाटा जेन्युइन पार्ट्स के थ्रू तो वो भी हो जाएगा। तो भैया ये अपने पास साइड मिरर आ गया है टाटा का जेन्युइन, आप अगर किसी भी मेरे भाई को अगर ऑटो एडजस्टेबल साइड मिरर लगवाना है तो लगवा सकता है। ये टाटा जेन्युइन अपने पास आ चुका है, मैं दिखा देता हूँ आपके पास आपको, ये अपना बॉक्स है इसका, और अनबॉक्स अभी आपने बिल्कुल दिखाई होगी। तो मैं कस्टमर्स को बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑटो एडजस्टेबल मिरर है ये लगवा सकते हो आप, बेस मॉडल के अंदर भी लगवा सकते हो और बेस मॉडल के ऊपर वाले मॉडल में भी देख सकते हो। अपना बिल्कुल ब्रांड न्यू अपना जो है टाटा के बॉक्स के साथ आपको मिल जाएगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, पैकिंग के साथ आपको दिया जाएगा, जो इंस्टॉलेशन रहेगा वो भी सारा कुछ आपको कपलर जैसे कम्बी लगा कर देती है सेम अपना एडवेंचर वेरिएंट जो मिलता है वही वाला मिरर जो है आप लगवा सकते हो, कपलर टू कपलर फिटिंग करके देंगे एकदम, कहीं से भी आपकी वायरिंग वगैरह कटने का कोई भी इशू नहीं होगा। मेरे पास कस्टमर की यही ज़्यादातर कॉल होती है
तो मैं एकदम निश्चिंत होकर बताना चाहता हूँ कि कोई भी आपकी वायरिंग कटिंग नहीं होगी, एकदम कपलर टू कपलर काम होगा। और जो अपना इसका स्विच आएगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अपना स्विच देख सकते हो, ये टॉप मॉडल वाला स्विच है। इसके अंदर अपना ये पूरा एडजस्टेबल के लिए अपना ये दे रखा है, प्लस अपने ये स्विच है, ये भी विंडो भी लग जाएगी अपनी कंपनी वाली, और ये सब मिरर भी जो है वो लग जाएगा एडजस्टेबल वाला। जी जी सर जी, तो ये भी अपना बिल्कुल कपलर टू कपलर लगाने वाले हैं, जिस भी भाई को इच्छा हो वो लगवा सकता है। तो दोस्तों पंच का सारा मोटिवेशन आपने देख लिया है, एक बार मिलते हैं कार ओनर से और जानते हैं कैसा कुछ उनका फीडबैक रहा है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम गगनप्रीत सिंह है। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? मैं लाजपत नगर वन से। तो यहाँ पे आने के लिए आपने कोई वीडियो वगैरह देखी थी, तब आप आए? मैंने आपकी पंच की काफी सारी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, तो उसी के बाद मैंने डिसाइड किया कि यहीं आके मॉडिफिकेशन करवाऊंगा। तो बेसिकली आप ट्रस्ट बेसिस पे यहाँ पे आए वीडियो देखने के बाद। तो जितना कुछ आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी एक्सेसरीज आपको चाहिए थी, यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज रही जो आपको ना मिली हो? ऐसा नहीं, कुछ नहीं, इसमें सारी एक्सेसरीज मिली, ओवर इनके पास और भी काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन की एक्सेसरीज है, तो जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, सारी कुछ आपको, सारी वैरायटी है इनके पास। फिनिशिंग फिटमेंट की बात करनी हो, किस तरीके की लगती है? 100 to 100, कोई कहीं पर परेशानी नहीं? कोई स्टाफ के बिहेवियर में कोई नहीं? नहीं, स्टाफ इवन काफी हेल्पिंग है, काफी ज्यादा हेल्प करता है, और हर काम के लिए अलग अलग पर्सन दिए गए हैं, ना कि एक ही बंदा सारे काम कर रहा है, तो वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो सर जैसे कि आप हमारी वीडियोस को देख करके आए, हम लोग वीडियोस में जो दिखाते हैं और आप भी एक तरीके से वीडियो में ही आ रहे हैं, तो अब आप बताइए कि आपने जो वीडियोस में अब तक देखा है और अब जो आपने एक्सपीरियंस किया है, उसके अंदर हम जो दिखाते हैं वो सही दिखाते हैं या चेंज जाता है? बिल्कुल सही दिखाते हैं, कोई चेंजेस नहीं। मैं भी उसी ट्रस्ट बेस पे आया था कि जो देखा है वही हो, पर एक्चुअल में वही था। ठीक है सर, आप पेमेंट बता दीजिए, आपने अपनी गाड़ी के अंदर काफी अच्छा काम करवाया, तो पेमेंट आपने कितनी पेमेंट? मैंने इसका 57 दिया। 57,000 रुपीस। तो 57,000 रुपीस वर्थ है या फिर कुछ लगता है? वर्थ है, वर्थ है। नंबरिंग करनी हो 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 देंगे पूरे। इन फ्यूचर दोबारा से कभी आना हो आपको? हाँ, हाँ, मैं नेक्स्ट मंथ दोबारा आऊंगा, अभी काफी एक्सेसरीज मेरी पड़ी हुई है। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, और आपने बिल्कुल नई नई गाड़ी ली है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये सारी कुछ एक्सेसरीज थी जो कि इस कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है, और ये सारा कुछ जो इंस्टॉलेशन है वो हुआ है डेकोरम कार एक्सेसरीज करोल बाग में। कॉन्टेक्ट डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।